जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं रामबाण सीरीज। अब ये रामबाण सीरीज क्या है और दूसरा आपको यहां दिख रहा है कि 30 दिन में 99 न तो 100, या तो 99 नहीं तो 100, वो भी कितना दिन में, तो मात्र 30 दिन में, ठीक है ना। तो ये रामबाण सीरीज क्या है और मात्र 30 दिन में 99 नहीं तो 100 आप कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपको आज समझाने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आपने इससे पहले गणित नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आज के बाद, ठीक है, जितनी बातें आपको बताई जा रही है, जितना चीज आपको समझाया जा रहा है, ठीक है, जो जो चीजें आपको आज बताने वाले हैं, यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया और सिर्फ उतना तैयारी कर लिया तो फिर आपका आसानी से जो है 90+ मार्क्स आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इसके लिए क्या करना है, और एक और प्लान है, प्लान हमारे माइंड में है, ठीक है, जो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर साइंस वाले बच्चों के लिए, वो भी प्लान आपको समझाने वाले हैं। और उस प्लान के अंतर्गत हमारा टारगेट होगा कि आपको पूरे सब्जेक्ट में 450+ कैसे करें, ठीक है, 450+ आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पूरा का पूरा प्लान आपको बताने वाले हैं पूरे सब्जेक्ट के लिए। पहले आपको बता देते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या करने की जरूरत है, कैसे पढ़ने की जरूरत है, ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, उनके लिए क्या स्पेशल करना है, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको और कितना करने की जरूरत है, ये सारी जानकारी आज आपको जो है इस वीडियो में कंप्लीट आपको मिलने वाला है। क्योंकि हर रोज आपको हम पढ़ा रहे हैं, हर रोज आपको जो है वीडियो दिया जा रहा है, हर रोज आपकी क्लासेस चल रही है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो भी समस्याएं अभी चल रही है कि क्या पढ़े, अब 30 दिन बच गया, कैसे पढ़े, किस तरीके से तैयारी करे कि बेहतर स्कोर कर ले, तो ये सारा का सारा समस्या जो है आपका आज खत्म होने वाला है। उससे पहले आपको बता दें एक महत्वपूर्ण बात कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इसके एक सिर्फ और सिर्फ उपाय है कि आपको जमकर मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। यानी आप किसी भी फील्ड में यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, तो हम आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे। यदि कोई मजदूरी करके पूरे 12 घंटा काम करके 500 कमाता है, तो एक स्मार्ट वर्क काम करने वाला व्यक्ति 1 से 2 घंटे काम करके वह 500 रुपया आसानी से कमा सकता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि कोई बच्चा पूरे दिन भर पढ़ रहा है और सिर्फ 3 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, और उसमें ही आप जो है बेहतर स्कोर कर लेते हैं, ठीक है ना। पूरे दिन भर पढ़ने वाले बच्चे कभी कभी फ्लियोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है सही तरीका नहीं मालूम है पढ़ने का, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सही कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, सही रास्ता नहीं मालूम है वे, लेकिन वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं उन्हें खुद मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है ना। किस तरीके से पढ़ना चाहिए उन्हें मालूम नहीं है। आज आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, बस आपको समझना है एक एक करके। सॉरी, बात करते हैं सबसे पहले गणित की। क्लास 12th के गणित की यदि बात करें हम, ध्यान से देखेंगे इधर, क्लास 12th के यदि गणित की बात करें, आराम से समझिएगा, ठीक है ना। क्लास 12th के यदि मैथ की बात करें, तो हमने इससे पहले ही आपको जो है एक वीडियो में बताया है कि आप चाहे, गौर से सुनिएगा, चाहे आपने पूरे के पूरे मैथमेटिक्स को पढ़ लिया है, ठीक है, क्योंकि एक साल की आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो आप पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आसानी से पढ़ लिए होंगे, तो अब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। यानी क्लास 12th में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी से, अब आपको सिर्फ 1 फरवरी के दिन ही शायद मैथमेटिक्स का एग्जाम है, तो आपको 1 फरवरी को ध्यान में रखकर पढ़ना है कि हमें 1 फरवरी के दिन बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। और यदि आपको यह पता चल जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कहां कहां से सवाल पूछा जाएगा,
और यदि बिल्कुल सच पता चल जाए तो क्या आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जो है क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स की बात यदि करते हैं, आपको एग्जाम का पैटर्न पता है, 100 ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें से किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है, ऊपर से किन्हीं 50 का सॉल्यूशन आपको करना है और बाकी को छोड़ना है। तो 100 में से सिर्फ 50 की हम बात करेंगे, पूरे 100 की बात नहीं करेंगे। 100 की बात करेंगे तो आपको पूरा का पूरा बुक की बात करना पड़ेगा, लेकिन यदि हम 50 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो पूरे बुक को एक साइड में रखकर और आपको जो है इतना कंटेंट बता दिया जाएगा जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको सिर्फ और सिर्फ हमने बताया है कि 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, 4 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसमें 1-2 एक्सरसाइज को और हम थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। आइए बात करते हैं इनवर्स की, जो बहुत सिंपल है। इनवर्स बहुत सिंपल है। यदि आप इनवर्स चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो आपको बता दें कि पूरे क्लास ट्वेल्थ में इनवर्स से जितने भी फॉर्मूला इनवर्स का है या ट्रिग्नोमेट्री का है, लगभग सबका यूज जो है पूरे क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में हो रहा है, ठीक है ना। चाहे आप मैट्रिक्स को उठाकर देखिए, चाहे आप डिटरमिनेंट को देखिए, डिफरेंशिएशन को देखिए, इंटीग्रेशन को देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को देखिए, हर जगह इनवर्स और जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है उसके फॉर्मूला की जरूरत है। तो ये एक्सरसाइज भले ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉपर इससे 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, इनवर्स से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है 6-7 क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जितने भी फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के, जिसका कि सभी का फॉर्मूला हमने आपको दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी टोटल फॉर्मूला आपको दे दिए हैं और ट्रिग्नोमेट्री का भी टोटल फॉर्मूला आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को देखने की जरूरत है और इसके टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेने की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि इसके फॉर्मूला जो है आपको सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा काम आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आएगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत प्राथमिकता देकर आपको पढ़ने की जरूरत है, इनवर्स और उसके फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा, यदि आपको लगे कि मैट्रिक्स पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है ना, यदि आपको लग रहा है कि नहीं मैट्रिक्स भी पढ़ना चाहिए, तो यह जरूरी नहीं है कि आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को नहीं पढ़े। यदि आप उसको कम भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 सवाल वहां से आपका आ ही जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो बहुत सिंपल सा सवाल होता है, बहुत आसान सवाल होता है, तो एक बार उसको रिवीजन कर लेने की जरूरत है, मोटे तौर पर रिवीजन कर लेने की जरूरत है। क्योंकि आप जब एक बार मैट्रिक्स को पढ़ लेते हैं तो या डिटरमिनेंट को पढ़ लेते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे तो दोनों थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है मान वगैरह निकालने वाला, ठीक है ना। तो आप यदि उसको पढ़ लेते हैं तो यहां से भी जो है 4-5 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं देना है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ, हाँ, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक यहां से पूछा जाता है इनवर्स निकालने वाला, ठीक है ना। तो इनवर्स निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट आपका है उसको आपको देख ही लेना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी इसमें जो आपका है डिटरमिनेंट में इनवर्स निकालने वाला, वो आपको देख ही लेना है, ठीक है ना। सहखंडज, सहखंड, क्योंकि सब्जेक्टिव में यहां से सवाल पूछा जाता है, सहखंडज, सहखंड, व्युत्क्रम, ये आपको देख लेना है बेहतरीन तरीके से। अच्छा हाँ, आपको डिफरेंशिएशन की बात यदि करेंगे हम, गौर से समझिएगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यदि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो डिफरेंशिएशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है भर भर कर पूछा जाता है, 15-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से पूछ दिया जाता है। यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है तो 15-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपका 7-8 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। 5 अंक वाला एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ दिया जाता है, एक क्वेश्चन 5 अंक वाला निश्चित रूप से रहता है, ठीक है ना। तो आपका जो डिफरेंशिएशन पार्ट है ये एकदम आपको बेहतरीन तरीके से देखने की जरूरत है। और इसके लिए जो है हमने प्रॉपर सबका वीडियो डाला है, ठीक है। यदि आप ब्रह्मास्त्र कोर्स में देख रहे हैं तो वहां पर सबका वीडियो आपको मिलेगा। यदि आप मिशन 50-50 देख रहे हैं तो वहां पर सबका ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के बाद जो बहुत प्रमुख चैप्टर है वो आपका है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन, जिसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन में दो पार्ट होता है, एक आपका होता है डिफिनिट, ठीक ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन, और एक इसमें होता है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है। एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। यदि हम दोनों को जोड़ दे, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को जोड़ दे, तो यहां से 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। 20 से 25 क्वेश्चन डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को यदि जोड़ लेते हैं तो 20 से 25 केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मायने रखता है ये, ठीक है ना। हाँ, तो आप इन दोनों को बेहतरीन तरीके से देखेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को, ठीक है। यहां से दो अंक स्तरीय क्वेश्चन जो है 7 से 8 दोनों मिलाकर, डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन दोनों मिलाकर 7 से 8 दो अंक स्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 2 से 2 क्वेश्चन जो है यहां पर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से और डिफिनिट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन तो 5 अंक स्तरीय पूछ दिया जाता है आपसे, ठीक है ना। सिद्ध करने वाला जो प्रश्न आपका होता है, 2 क्वेश्चन यहां से पूछ ही दिया जाता है हर साल, ठीक है आपको। अच्छा देखिए, आपको क्या करना है कि एक बार ना क्वेश्चन बैंक को उलट कर देखना है, आपको पता चलेगा ये बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। जब आप क्वेश्चन बैंक को उलट कर देखेंगे तो आप भी पता लगा सकते हैं कि कहां से कितना सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन हाँ, 100 ऑब्जेक्टिव वाला देखिएगा तब आपको सही पता चलेगा, ठीक है ना। तो डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये दोनों को आपको बेहतरीन तरीके से देखना है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, और आपका आता है इसमें एक एक्सरसाइज जो है आपका अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है। ये बहुत साधारण है, बहुत आसान है, ठीक है। अवकल समीकरण बहुत साधारण, बहुत आसान है। यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जिसका आंसर आप 2 सेकंड में दे सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में दे सकते हैं। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जिसका आंसर सिर्फ 2 सेकंड में आप दे सकते हैं। तो ये जो अवकल समीकरण है ये इंटीग्रेशन के ही पार्ट में आता है, ठीक है ना। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी आप देख लीजिएगा। यहां से 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन जो है 2 से 3 दो अंक स्तरीय क्वेश्चन भी आपसे पूछ दिया जाता है, तो इसको आप बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसको यदि अच्छा से पढ़ लेते हैं तो। और एक बात और आपको बता दें कि कल शाम में 7 बजे इसका वीडियो आने वाला है अवकल समीकरण का, जिसमें हमने एक प्लान तैयार किया है कि जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, केसी सिन्हा के क्वेश्चन है, और जितने भी सवाल क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में, टोटल के टोटल क्वेश्चन का एक ही बार में सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे, ताकि आपका एक ही बार में जो है ये 7-8 अंक कंप्लीट हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा। और एक बात और आपको बता दें कि ये जो अवकल समीकरण का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि 95% स्टूडेंट इसका गलत कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है। तो कल के जो क्लास आपका होने वाला है उसमें आप निश्चित रूप से जुड़ेंगे, आपको पूरा का पूरा अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिससे कि बोर्ड में कितना भी घुमाकर सवाल पूछेगा आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है वो हल्का सवाल वाला कॉन्सेप्ट बताया जाता है, एकदम साधारण वाला, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज है वेक्टर, बहुत ज्यादा मायने रखता है ये वेक्टर। आपको वेक्टर का क्या करना है कि फॉर्मूला टोटल, जैसे बाकी सभी एक्सरसाइज का भी आपको बताए हैं कि फॉर्मूला पहले देखना है, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपको करना है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको जरूर करना है, उससे आपको क्वेश्चन का टाइप पता चल जाता है। तो वेक्टर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है, यहां देखिएगा, 10 से 12 प्रश्न केवल और केवल ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। केवल ऑब्जेक्टिव में 10 से 12 प्रश्न पूछ दिया जाता है। 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन यहां से जो है 3 से 4 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सब्जेक्टिव में जो है 1 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो यह भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके लिए। एक है आपका 3D, समझिए ठीक से इधर, 3D यहां से भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसी के एवरेज में रहता है, 6 से 7, 7 से 8, 5 से 6 ऐसे करके, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से भी 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन जो है 1 से 2 पूछा जाता है, और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन भी 1 यहां से पूछा जाता है,
ठीक है। तो यह भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो इसको तो देखने की जरूरत है, जो मुख्य रूप से आपको बता रहे हैं, मुख्य रूप से आपको इनवर्स तो देखना ही देखना है, क्योंकि उस पर आधारित पूरा का पूरा बुक है आपका, ठीक है ना। पूरे बुक में उसके फॉर्मूला की जरूरत है, इसलिए उसको बहुत अच्छा से देखना है। दूसरा आपको देखना है निश्चित रूप से, यदि आप थोड़ा सा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को देख लेते हैं चलेगा, डिफरेंशिएशन को देखना है अच्छा से, इंटीग्रेशन को देखना है, फिर आपको अवकल समीकरण, वेक्टर थ्योरी और ग्राफ जो बहुत ज्यादा मायने रखता है ग्राफ। चलिए देखिए, एक सवाल ग्राफ से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है हर साल, ठीक है। तो ग्राफ आपको जो है एकदम देख लेना है, इसको सीख जाना है अच्छा से। आपके पास यदि ग्राफ पेपर हो, ठीक है ना, तो जिस दिन हम ग्राफ का क्लास लेंगे उस दिन आप ग्राफ पेपर पर बनाना सीखिएगा। हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड है तो इसमें ग्राफ का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो हम वहां पर आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे। तो आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो निश्चित रूप से उस पर बनाना सीखिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई गलती ना हो जाए आपसे। ये ग्राफ एकदम तय है कि आपसे पूछेगा, कोई इसमें कोताही नहीं होगा, ठीक है ना। और प्रायिकता से जो है, प्रायिकता का जो पहला चैप्टर है, समझिए ठीक से, प्रायिकता का टोटल फॉर्मूला एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, टोटल फॉर्मूला और उसका जो पहला चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जो 13.1 आपका है पहला चैप्टर, उसमें जितने भी मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। तो ये पूरे के पूरे एनालिसिस है आपके क्लास 12th के मैथमेटिक्स के लिए, और बस आपको इतना करने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपको पता चल गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। एक बार हम अच्छा से रिकैप कर देते हैं सबका। इनवर्स एकदम पक्का, ठीक है, इनवर्स को नहीं छोड़ना है पूरा अच्छा से। दूसरा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को भी थोड़ा थोड़ा आपको देख लेना है, थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। हाँ, क्योंकि वहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वहां पर आपको जो है ये सहखंड, सहखंडज और व्युत्क्रम, ये वाला आपको निश्चित रूप से देखना है, बाकी छोटा छोटा क्वेश्चन उसमें से रहता है। डिफरेंशिएशन, इसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक है, इसके बाद वेक्टर, ठीक है ना, इसके बाद 3D के बाद ग्राफ, एकदम ग्राफ, और फिर प्रायिकता के जो पहला एक्सरसाइज वाला है सो प्रायिकता का, ठीक है, इतना करना है। और सबका आपको जो है सबके फॉर्मूला पर आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है, फॉर्मूला के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बात आती है रामबाण सीरीज, हमारा प्लान क्या है। यह रामबाण सीरीज जो है समझ लीजिएगा ठीक से, रामबाण सीरीज के बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि अभी आपके जो है, हमने YouTube पर देखा है कि कहीं पर भी पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एक साथ, जैसे आपके 6 सब्जेक्ट है टोटल, ठीक है, 6 सब्जेक्ट है टोटल यदि हम बात करें, जिनका एक्स्ट्रा में बायो है या फिर एक्स्ट्रा में मैथ जिनका है, ठीक है ना। तो यदि ऐसा रखते हैं तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी, 6 पेपर है टोटल। यदि हमने 6 पेपर का 20-20 क्वेश्चन डेली ऑब्जेक्टिव का, 6 पेपर से 20-20 क्वेश्चन जो है लेकर टोटल 120 क्वेश्चन का डेली यदि ग्रुप डिस्कशन करे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप यदि ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आपको यहां पर जो है 120 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट से मिलाकर 120 क्वेश्चन लेकर आएंगे। यहां पर 120 क्वेश्चन के साथ आपको टाइमर दिया जाएगा, 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा, आप 30 सेकंड में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद जो है हम आपको उसका आंसर बता देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपने क्वेश्चन भी किया और उसका आंसर भी हमने आपको बताया, तो आपका क्या होगा कि टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ उसका डिस्कशन भी हो जाएगा, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जो है मायने रखता है, क्योंकि जब आप ग्रुप डिस्कस करते हैं, जब आप क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है ना। तो ये रामबाण सीरीज जो है हम आप लोग के लिए लेकर आने वाले हैं, और ये प्लान हमारा कैसा लगा आप सभी को एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लान यदि आप लोग को बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको शुरू करेंगे हम लोग 2 जनवरी से, ठीक है। हाँ, यदि बेहतर लगा हो तो, हमारे हिसाब से तो ये बहुत बेहतर प्लान है,
यदि 120 क्वेश्चन डेली हम लोग करते हैं तो 30 दिन में कितना करेंगे मालूम है? बहुत हो जाएगा, 12 × 36 जोड़ लीजिए ना, कितना हो गया 3600 क्वेश्चन। नहीं देख लीजिए जोड़ के, 120 को यदि हम 30 से गुना करते हैं तो 3600 क्वेश्चन हो जाता है। 3600 क्वेश्चन मैंने रखता है, 3600 क्वेश्चन यदि पूरे सिलेबस का हो गया तो कुछ बचेगा ही नहीं आपसे। तो समझ लीजिए कि ये जो 30 दिन में हमने 450 वाला प्लान आपको बताया है, ये प्लान कहीं से फेल्योर नहीं हो सकता है और आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर इसकी जानकारी दे दीजिएगा। बाकी गणित वाला प्लान हमारा कैसा लगा आपको वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और विशेष आपको जो है यदि नहीं मिल रहा है कि प्लेलिस्ट कहां पर है, मतलब कहां पर आप मतलब वीडियो मिलेगा, तो आज हम जो है सब वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। किसका किसका दे देते हैं? तो जो आपका मिशन 50-50 वाला है उसका, और दूसरा जो आपके ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला है उसका, दोनों के दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जाकर जरूर देख लीजिएगा सभी, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।